नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी पहली बात तो ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। वीडियो लेट क्यों आई है इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। मैं इस साल बताने वाला हूँ राहू का गोचर मेष राशि में कैसा रहेगा। ये वीडियो इसलिए लेट हुई है क्योंकि मैं हर एक राशि का एनालिसिस कर रहा था अच्छी तरीके से, उसे रीड कर रहा था अच्छी तरीके से कि गोचर बिल्कुल सही तरीके से सटीक भविष्यवाणी इस बार गोचर में कि आपको फलों की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लेट आई तो बिल्कुल सही ज्ञान आपको दूंगा तो आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए मैं गलत वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। तो ये वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको कि राहु का गोचर होगा इस बार मेष राशि में। तो मेष राशि के राहु का गोचर तृतीय भाव में होगा, तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में राहु का गोचर आपके लिए शुभ फलदायक होगा। बस देखिए, छात्रों के लिए भी बताऊंगा, जो लोग नौकरी वाले हैं, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पूरी वीडियो होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नौकरी वालों के लिए। देखिए, तीसरे भाव में राहु की स्थिति आपको पराक्रमी मेहनती बनाएगी बहुत, ये आपके लिए फलदायक होगा। बस आप मेहनत करें, छात्रों को मैं यही कहूँगा कि पराक्रम से नहीं डरे, बिल्कुल पराक्रम करें, आपको बहुत अच्छे इस बार फल रिजल्ट आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। केतु का फिर नौवें भाव में गोचर चले जाएगा, तो केतु की तो मैं अगली आने वाली वीडियोज में बात करूंगा, पहले राहु की हर एक एक राशि में क्या इस साल गोचर हो सकता है उसका हम बात कर रहे हैं। तो राहु का जब तीसरे भाव में स्थिति होगी, इस बार गोचर होगा जब मेष राशि में, तो इस साल जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए नौकरी का साल बहुत अच्छा लग रहा है कि लग सकती है। प्रमोशंस भी हो सकते हैं, जिनकी नौकरी ऑलरेडी लगी हुई है उनके प्रमोशंस के बहुत चांसेस हैं इस बार। या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, या दूसरी नौकरी ढूंढना है जॉब चेंज के लिए, ये साल आपको बहुत पराक्रम बनाएगा। आपके जो भाइयों से रिलेशनशिप है और जो छोटी यात्राएं हैं वो आपके लिए ज़्यादातर फलदायक होंगी। विदेश यात्रा भी होंगी बट छोटी यात्रा जो होंगी वो आपके लिए लाभदायक होगी। भाइयों से, छोटे भाइयों से संबंध भी अच्छे रह सकते हैं इस साल, बट हाँ थोड़ी बना के रखना छोटे भाइयों से। और कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करूँ तो इस साल अच्छे हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स को अपने क्लियर कर सकते हैं क्योंकि पराक्रम इस बार राहु आपको पराक्रम बनाएगा, बहुत मेहनती बनाएगा इस बार। बट हाँ, मेहनत से नहीं डरे क्योंकि केतु का गोचर नौवें भाव में है, तो उसकी मैं आने वाली वीडियो में आपको रिजल्ट्स बताऊंगा क्या हो सकते हैं। छात्रों के भी इस बार अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और जो अपने नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही था कि आज मेष राशि में राहु का गोचर तृतीय भाव में साल 2019 में, तो ये फलों की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।